तस्वीर को करने की कोशिश है जिस तस्वीर की डॉक्टर जावेद अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करूंगा कि बुक को लेकर आज जल्दी से प्रेजेंट करें, समय बहुत कम है। मोबाइल नहीं छूटता, सुबह उठते ही सबसे पहले ऐसे हम पता चलता इस क्रॉस अलग अलग पृष्ठभूमि के युवा यहां पर इकट्ठा है। साथ ही साथ अभी हम सब लोगों के सामने परिचय हुआ। जिंदगी में अपने अलग अलग क्षेत्रों में सफलता के मुकाम कायम करते हुए दूसरों के लिए भी जीने वाले, दूसरों की मदद करने वाले, दूसरों को प्रेरणा देने वाले तमाम हमारे देश के प्रतिभाशाली व्यक्तित्व यहां उपस्थित हैं। जैसा कि अभी हम सब लोगों को परिचय कराया गया, सबसे पहले तो कलाम फाउंडेशन और उनके चेयरमैन मुन्ना जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जिस समय पूरे देश के अंदर एक दौड़ लगी है कि किसी तरह से अपने जिंदगी में किसी भी कीमत पर सफलता के मुकाम हासिल की जाए और जो भी युवा है वो अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी क्षमता और प्रतिभा है तो उसके ख्वाब ऐसे हैं कि वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता। लेकिन सफलता के मुकाम पर पहुंच करके पीछे मुड़ करके देखना, किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में अगर ये भाव पैदा होता है, मुझे लगता है वही भारत की ताकत है, वही भारत कि वो पूंजी है जिसके दम पर भारत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिस सपने को देख रहे थे, नए भारत के निर्माण के जिस सपने को देख रहे थे, हम उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो सपना डॉक्टर साहब देख रहे थे उसको पूरा करने का तीन रास्ता है, तीन जरूरतें हैं। पहली कि कोई भी सपना, कोई भी लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने वाली लीडरशिप हो। कोई भी व्यक्ति हो, कोई परिवार हो, कोई समाज हो, कोई भी राष्ट्र हो, नेतृत्व के बगैर अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। राष्ट्र की बात कर रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नेतृत्व चाहिए, समाज की बात कर रहा हूं तब भी आपको समझ में आ रहा होगा नेतृत्व चाहिए, परिवार की बात कर रहा हूं तब भी आपको समझ में आ रहा होगा नेतृत्व चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति की बात कर रहा हूं तो एक व्यक्ति में वो नेतृत्व कौन करेगा? एक व्यक्ति के अंदर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के विचार होते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर नकारात्मक विचार का नेतृत्व करते हैं वो समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर नकारात्मकता को पैदा करता है और उनको कमजोर करता है, और जिस व्यक्ति के अंदर सकारात्मक विचार का नेतृत्व करते हैं वो विपरीत परिस्थितियों में भी नए निर्माण के लिए अपनी सकारात्मक ऊर्जा से जहां भी होता है अंधेरे में भी दीपक जलाने का काम करता है। इसलिए व्यक्ति के अंदर भी नेतृत्व क्षमता की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो गलत काम कर रहे हैं वो भी तो इंसान ही है, लेकिन उनके अंदर जो नेतृत्व कर रहा है जो विचार वो नकारात्मक विचार है। जो अच्छे काम कर रहे हैं वो भी इंसान है, लेकिन वो अच्छे काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर जो सकारात्मक विचार है वो प्रभावशाली है, वो नेतृत्व कर रहा है। इस भारत के अंदर
मंथन चलता रहा है। भारत ने सकारात्मक दिशा की भी यात्रा को तय किया, भारत ने नकारात्मक दिशा की यात्रा को भी तय किया। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने व्यवहार से एक नए विचारधारा को बढ़ा। वो पैदा हुए भारत के अंदर, लेकिन जिस परिवार में पैदा हुए उस परिवार का धर्म मुस्लिम था। एक गरीब परिवार में पैदा हुए और वैज्ञानिक ऐसा बने कि दुनिया के अंदर मिसाल नहीं है, और अपने वैज्ञानिक क्षमता के दम पर भारत जैसे देश में पैदा होकर के आज के माहौल में देश के राष्ट्रपति बन गए। राजनीति उनके सामने समर्पण हो गई, उनकी काबिलियत के सामने, और वो राष्ट्रपति बन गए। ये बात, ये जो उनका जो जीवन चरित्र है वो इस बात का एक संदेश देता है। भारत के अंदर आज अलग अलग हिस्सों से तमाम युवा यहां पर जो खास तौर से सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने तरीके से अपने अपनी प्रतिभा अपने अपनी क्षमता के अनुसार कुछ कर रहे हैं। वो क्षमता और प्रतिभा ऐसी है कि उनको सामान्य जीवन जीने नहीं दे रही है। ऐसा नहीं है कि आप जिस गांव में पैदा हुए, आप जिस परिवार में पैदा हुए, जिस परिवार में आप पैदा हुए, आपके दोस्त मित्र रिश्तेदार में तमाम ऐसे आपके हम उम्र युवा होंगे, आपके घर वाले आपके रिश्तेदार भी कहते होंगे कि किस काम में तुम लग गए हो, लोग कहां जा रहे हैं और तुम कहां जा रहे हो। आप जिस गांव में है, जो आपका सर्किट है, जिस मोहल्ले में है, जिस पड़ोस में है, हर कोई ये बात कहता है कि लोग जब अपने लिए सोच रहे हैं तो दूसरों के लिए सोचने की किसके चक्कर में पड़ गए। लेकिन वो आपकी ये चाहत नहीं है। वो कहते हैं कि मां भारती कभी वीरों से खाली नहीं रही, कभी वीरांगनाओं से खाली नहीं रही। आज जिस तरह के संकट के दौर में देश के सामने एक नकारात्मकता का माहौल है, भारत के हर कोने कोने में जो भी सकारात्मक ऊर्जा है वो बेचैन हो रही है। कुदरत ने आपके अंदर ऐसी कोई ना कोई एनर्जी दे करके भेजा है, वो जीन में है। आप चाह करके भी अपने लिए केवल जीने की जिद भी कर लो, पैसा भी कमा सकते हो, पद भी पा सकते हो, लेकिन कुदरत ने जो इंजेक्शन दे करके आपको भेजा है वो यहां पर आने से आपको रोक नहीं सकता, और ऐसे कामों से आपको करने से रोक नहीं सकता। सब कुछ के बाद दौलत भी होगी, संपत्ति भी होगी, शौहरत भी होगी, पद भी होगा, लेकिन कुदरत ने जिस काम के लिए आपको भेजा है उसके बगैर सुकून नहीं होगा। इसलिए पहली चीज तो आप यहां पहुंचे हो यह इत्तेफाक नहीं है, आप पहुंचे हो इसलिए पूरे देश से लोग, आप अकेले अगर कोशिश करते हैं कि पूरे देश में इतने लोगों से, इतने तरह के लोगों से हम मिल लें, तो शायद यह असंभव काम है। तो सकारात्मक ऊर्जा के लोग यहां पर इकट्ठा हुए, उसका भी कोई मकसद होता है। व्यक्ति भी अपने स्तर पर प्रयास करता है, कार्य योजनाएं बनाता है, अपनी रणनीति बनाता है, लेकिन पूरी प्रकृति पूरी कायनात भी अपने तरह से अपनी योजनाएं बनाती है, अपनी रणनीति बनाती है। व्यक्ति और कायनात दोनों के रणनीतियों का जब सम्मिलन हो जाता है तो गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है, छलांग लग जाता है। व्यक्ति के जिंदगी में भी छलांग लगता है, समाज में भी छलांग लग जाता है, और राष्ट्र के अंदर भी छलांग लग जाता है। आप हम सब जानते हैं कि इस देश के अंदर खासतौर से आप युवा हैं, तमाम यहां बुद्धिजीवी बैठे हैं, इसलिए मैं दो तीन बातों पर चर्चा करना चाहता हूं। आज हम जहां खड़े हैं और हमारा देश जहां खड़ा है,
क्या समस्याएं हैं वो एक बात है, लेकिन उसका समाधान क्या है ये भी आज के भारत को भी सोचना पड़ेगा। इसको सोचने वाला कोई और नहीं आएगा। हमारा देश गुलाम था आजादी की लड़ाई के लिए, जब हमारे पुरखों ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया, आजादी की लड़ाई के दौरान जब भगत सिंह अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे थे, चंद्रशेखर आजाद अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे थे, अशफाक उल्लाह खां अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे थे, रानी की झांसी सब कुछ न्यौछावर कर रहे थे, बहादुर शाह जफर अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे थे, महात्मा गांधी अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस अपना न्यौछावर कर रहे थे, देश के हर हिस्से में हर समाज के लोग अपना जब सब कुछ दांव पे लगा रहे थे, ऐसा नहीं था कि उस समय उनके टांग खींचने वाले नहीं थे, ऐसा नहीं था कि उनको जो है सब लोग पलक पावड़े बिछा रहे थे, उस समय भी संकट था, लेकिन उस समय के संकट के दौरान देश के सामने जो समस्या थी उसका समाधान क्या हो सकता है, उस समाधान को प्रस्तुत करने के लिए आजादी की लड़ाई के दौरान अपने अपने तरीके से लोगों ने उस समाधान के लिए अपना योगदान दिया। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने तरह से प्रयास कर रहे थे तो महात्मा गांधी अपने तरह से प्रयास कर रहे थे, भगत सिंह अपने तरह से प्रयास कर रहे थे, चंद्रशेखर आजाद अपने तरह से प्रयास कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस अगर अपने तरह से प्रयास कर रहे थे, झांसी की रानी अपने तरह से प्रयास कर रहे थे, उन्होंने अपने समय की समस्या का समाधान प्रस्तुत करने के लिए अपना सब कुछ लगाया। आज अपने पुरखों को याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि उसे हमें प्रेरणा मिलती है, लेकिन जितना अपने पुरखों को याद करना, अपने पूर्वजों को याद करना जरूरी है, उतना ही जरूरी है आज के समय की जो चुनौती है उसके लिए समाधान प्रस्तुत करने के लिए अपने आप को खड़ा करना। आज की समस्या का समाधान आकर के भगत सिंह नहीं खड़ा कर सकते, आज की समस्या का समाधान गांधी नहीं आकर दे सकते, आज की समस्या का समाधान डॉक्टर अंबेडकर देने नहीं आएंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज की समस्या जो पैदा हो रही है उसका समाधान देने नहीं आए, लेकिन उनके विचार, उनके व्यवहार हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। लेकिन वक्त की चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करने के लिए आज की दौर की जो पीढ़ी है, जो जिंदा है, उन्हें खड़ा होना पड़ेगा। और समस्या क्या है, आप में से बहुत सारे साथी हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन समस्या केवल स्थानीय नहीं है। आज जो चुनौतियां हैं, पूरा जो ग्लोबल इंटरनेशनल जो विचारधारा, जो व्यवस्था चल रही है, हम यहां बैठे हैं, हम यहां सांस कैसे लेंगे, ये भी केवल हम तय नहीं करते, ये भी ग्लोबल वर्ल्ड में हम रहते हैं, दुनिया की परिस्थितियों से देश की परिस्थितियां तय होती हैं, और देश की परिस्थितियों से हमारे गांव की परिस्थितियां तय होती हैं, हमारे घर की परिस्थितियां तय होती हैं, हमारे व्यवहार की परिस्थितियां। बाकी नशे छूट जा रहे हैं, मोबाइल नहीं छूटता, सुबह उठते ही सबसे पहले ऐसे अंगूठा चलता है, स्क्रॉल हम मोबाइल करते हैं, और रात में जब तक नींद नहीं आ जाती है तब तक हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे अंगूठा चलाते हैं। चलाओ, मेरा उससे कोई विरोध नहीं है, लेकिन जितना अंगूठा चलाओ उतने भी अपने दिमाग को चलाओ। अंगूठा दिमाग को बंद नहीं करना चाहिए, और दिमाग जब चलेगा तो अंगूठा चलाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके दिमाग का अगर स्विच ऑफ हो गया तो फिर दिन में नए भारत के खुशहाल भविष्य का सपना कैसे देखोगे। सपना देख रहे होते हो तब तक मोबाइल पर एक घंटी आती है, फिर व्हाट्सएप चलाने लगते हो, फिर वो आपको हाईजेक कर लेता है। जो भी प्रोपेगेंडा है प्लांट वे में होता है, इसलिए फैक्ट को चेक करो, दिमाग को चेक करो। नए भारत अनादि काल से भारत है, वो कहते हैं
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा आज भी है। इसलिए नए भारत के निर्माण के लिए ये यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, जब लीडरशिप की हम बात करते हैं, लीडरशिप का मतलब नेतृत्व क्षमता और व्यक्तित्व, नेतृत्व और व्यक्तित्व मिलाकर के एक लीडर पैदा करता है। नेतृत्व का मतलब ही होता है कि वो हर चीज का पिछलग्गू नहीं होता। नेतृत्व का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई खबर आई और अगर अपनी टोली का आप नेतृत्व कर रहे हो तो पहले उसको वेरीफाई करो। हमला इधर से होने वाला है, हर दुश्मन खबर कहलाता है कि हमला उधर से होने वाला है, क्योंकि उसे डार्क इंफॉर्मेशन के आधार पर वो हमले की रणनीति बनाता है। तो आपका माइंड उधर किया और हमला इधर से हो गया, ये काम कौन करेगा? मोबाइल नहीं कर सकता। मोबाइल में तो व्हाट्सएप पे खबर आई है आपको डाइवर्ट करने की, इसका निर्णय तो आपका दिमाग करेगा। तो अगर अपने जिंदगी में आप जिस भी काम को कर रहे हो, अपने संगठन में, अपने परिवार में, अपने समाज में, जहां भी जो भी कर रहे हो, उसको एक कदम और बेहतर, जो आपकी जिंदगी को भी रोशन करे और देश को भी रोशन करे, उसकी एक शर्त है अपने दिमाग को खोलो, नंबर वन। नंबर टू, युवा थोड़ा इतिहास को जानने की कोशिश करो जो आपको बताया जा रहा है, थोड़ा और डिटेल समझो, और भविष्य में क्या करना है उसके बारे में भी थोड़ा चिंतन। मुझे लगता है कि अपने व्यक्तित्व में आप 3 दिन तक आप लोगों को और विषयों पे चर्चा होगी, बहुत सारे आप सीखोगे। मैं केवल इतनी सी बात एक लाइन आपसे कह के जा रहा हूं, काम जहां हो वहीं करो, जो कर रहे हो वहीं करो, लेकिन काम लोकल होना चाहिए, चिंतन राष्ट्रीय होना चाहिए। रहते हो अगर तमिलनाडु में, कश्मीर जल रहा है तो गर्म सीने में होना चाहिए। वाह क्या बात, ये राष्ट्रीय चिंतन से बहुत सकता है। रहते हो नागालैंड में, अगर कश्मीर में कुछ होता है तो दर्द होना चाहिए। अगर पैदा हुए हो ब्राह्मण परिवार में, अगर दलित परिवार में भी पैदा हुए किसी के घर में दर्द होता है तो आप किसी जगह दर्द होना चाहिए। अगर वो दर्द नहीं होता है तो समझ लेना है आप सब कुछ हो, लेकिन भारतीय नहीं हो। देश कागज पर बना हुआ एक नक्शा नहीं है, देश करोड़ों धड़कते हुए दिल है, इंसानों से देश बनता है, नक्शे से देश नहीं बनता। इसलिए अगर सचमुच लीडर हो तो लीडर की तरह सोचो, और सोचने का मतलब है दिल जो है ना वो थर्मामीटर है जो बता देता है कि आपका चिंतन क्या है, आपका शरीर क्या है, आपका प्यास क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। तो पहले मेरी आपसे अपील है, काम आप जहां हो वही करो, क्योंकि उसकी सीमा है। हम इस समय इस सभागार में बैठे हैं तो लिमिटेशन है, हम इस समय हम बैठे हैं तो चंपारण में हम उस समय नहीं बैठ सकते, इस समय में हम कन्याकुमारी में नहीं बैठ सकते, उसकी एक सीमा है, चिंतन की कोई सीमा नहीं है। इस सभागार में बैठे हुए हम एक क्षण के अंदर कन्याकुमारी के बारे में भी सोच सकते हैं, कश्मीर के बारे में भी सोच सकते हैं, मणिपुर चल रहा है उसका जो दर्द है उसको भी सोच सकते हैं, और अमेरिका क्या प्लान बना रहा है वो भी सोच सकते हैं। व्यवहार की सीमा है, चिंतन की सीमा नहीं है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, काम जहां हो वही करो, जिंदगी में जो अवसर मिला है चिंतन राष्ट्रीय करना पड़ेगा। वाह क्या बात, नए भारत के निर्माण। और आपका
चिंतन राष्ट्रीय है कि नहीं, ये जब अखबार और टीवी देखते हो, ये जाने बगैर कि जिस व्यक्ति जिसका दर्द है वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस क्षेत्र का है, किस भाषा का है, अगर उसके बगैर आपके सीने में भी दर्द पैदा हो तो समझ जाना कि राष्ट्रीय चिंतन धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। कैसे आके राष्ट्रीय चिंतन हमारे अंदर आया या नहीं आया। दूसरी बात जो मैं आपसे कह के अपनी बात करना चाहता हूं कि आज का जो दौर है, आज के दौर में किसी व्यक्ति को, किसी समाज को, किसी राष्ट्र को गुलाम बनाने के लिए अब ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने की भी जरूरत नहीं है, किसी देश पे हमला करने की भी जरूरत नहीं है। नया दौर है पूरे दुनिया के अंदर, आज माइंड को गुलाम बनाया जा रहा है। आप बैठे हो भारत के अंदर गांव में, लेकिन आपका माइंड को कैप्चर कर लिया गया। आप बोलते हो वही हो जो वो चाहता है, सात समुंदर पार बैठा हुआ। आपके मोबाइल में सारी सामग्री वो है जो सात समंदर पार से आती है और एक मिनट में आ जाती। करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं लोगों के दिमाग को गुलाम बनाने के लिए, और खासतौर से भारत के लोगों को गुलाम बनाने के लिए, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया संकट के दौर में गुजर रही है। दुनिया के अंदर पूंजीवाद ने एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश करी, उसका संकट आया। समाधान समाजवाद के देने की कोशिश करी, समाजवाद के संकट आया। अब साम्राज्यवाद दुनिया को रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसके भी हाथ पैर उखड़ रहे, उसके पास भी समाधान नहीं है। पूरे दुनिया के अंदर नए दौर में नई चुनौतियों का देश और दुनिया समाधान ढूंढ रही है। भारत एक ऐसी धरती है जहां से समाधान निकल सकता है, और भारत के अंदर समाधान अगर निकलना है तो युवाओं के बगैर नए भारत के निर्माण का, नए दुनिया के, नए राष्ट्र के निर्माण का समाधान नहीं है। इसलिए आपके माइंड को कैप्चर करने की कोशिश हो रही है। आप क्या खाते हो ये आप तय नहीं करते, आज विज्ञापन तय करता। आप क्या पहनते हो पहना होगा, मोबाइल छूट नहीं सकता, छोड़ने की जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं। एक व्यक्ति के अंदर अगर हथियार हो तो किसी की जान भी ले सकता है, लेकिन अगर चिंतन उसका सही हो तो उसी हथियार से किसी की जिंदगी भी बचा सकता है, हमलावर से बचा सकता है। इसलिए मोबाइल को भी आंख रखो और अपने दिमाग को भी आंख रखो, सूचनाएं सारी एकत्रित करो, लेकिन अपने दिमाग से उसका परीक्षण करो। नए भारत के निर्माण का रास्ता नए चिंतन से जाएगा, सूचनाएं मोबाइल से आएगी, चिंतन दिमाग से पैदा होगा, नया चिंतन नया भारत का निर्माण करेगा। और यकीन मानिए हम सब लोगों की जो आज हम सब इकट्ठा हुए हैं, एक नई सोच के साथ आप वापस जाएंगे नए भारत के निर्माण में। इतना ही मेरी इच्छा है, जो यहाँ इस ट्रेनिंग में आए हैं उनका भी कोई ना कोई महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। कल का या भविष्य का नेतृत्व करता बने, नया नेतृत्व नए भारत का निर्माण करेगा और उसमें आप भी शामिल हो, यही हमारी शुभकामनाएं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, पर चाहूंगा कि अगर आपकी इजाजत हो तो एक सवाल मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा, क्योंकि बातें तो बहुत हुई, इन बातों में अगर हम भूल जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। मंत्री जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से आप दिल्ली के पर्यावरण विभाग को देख रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं जब आप अपनी जिम्मेदारी को कलाम के जरिए देखते हैं, अपनी जिम्मेदारी को आप देश के उस तहलीज पे रखते हैं जहां पे नए दिशा देने की कोशिश है, क्या वो मॉडल है, क्या वो योजना है जो देश को सीखने की जरूरत है दिल्ली से, तब जब पर्यावरण विभाग का जिक्र हो। देखिए कलाम साहब नेचर के बहुत करीब थे, या जो कहे उनके जिंदगी को नेचर ने संवारा था, क्योंकि अगर कोई नेचर के करीब ना हो तो उसके दिल में इतनी मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। कुदरत की वैसे तो हर शरीर में दिल होता है,
लेकिन दिल के अंदर मोहब्बत जो है वो नेचर पैदा करता है। जितना ही आप नेचर के करीब हो उतनी ही व्यापकता आपके दिल के अंदर आती है और सब कुछ को अपने अंदर वो समाहित कर देती है। दुनिया के अंदर भी विकास के नए दौर में जो हमारी नई चुनौतियां हैं, नई जरूरतें हैं, डेवलपमेंट का जो पूरा मॉडल आया वो प्रकृति से टकरा करके, प्रकृति को विध्वंस करके आगे बढ़ने का मॉडल। लेकिन धीरे धीरे ये बात समझ में आ रही है कि प्रकृति का जो प्रकोप, प्रकृति का जो डंडा चल रहा है वो अगर चलेगा तो विकास के सारे मॉडल, सारी टेक्नोलॉजी, सारा ज्ञान विज्ञान उसके सामने छोटे पड़ जाते हैं। हमने देखा अभी कोरोना काल के दौरान, शायद यहां बैठे हुए लोगों की जिंदगी में पहली बार हुआ मंदिरों में ताले बंद हुए, मस्जिदें बंद कर दी गई, शायद जो दरवाजे कभी बंद नहीं हुए थे उसमें भी ताले लगाए, सारे ज्ञान विज्ञान ने एक जगह पे आकर के अपने हाथ खड़े कर दिए, अपने लिमिटेशन को देश के सामने रखा, दुनिया के सामने रखा। दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र अमेरिका असहाय हो गया, उसके कंपटीशन में खड़ा देश चाइना को समझ में नहीं आया क्या करे, हजारों लोग अपनी जिंदगी